हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डे 7 ऑफ 75 आवर चैलेंज। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बुक जो आपका माइंडसेट, आपका वे ऑफ थिंकिंग दोनों को चेंज कर देगी। और ये बुक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है रिलेटेड टू टेकिंग एक्शन, आपके गोल सेट करने में और जो भी आप आपके लाइफ में अचीव करना चाहते हो उन सब से रिगार्डिंग ये बुक आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगर आपने दोनों बुक आपने पहले रीड नहीं करी, इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट, वो आप सुनिए। अगर आपने उसकी समझ नहीं देखी, और 10x रूल, अगर आप वो दोनों बुक को आप डिटेल में रीड कर लोगे, सुन लोगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन बनाए, तो ये बुक आपको आसान हो जाएगी पढ़ने में, समझने में और चीजों को एक्सक्यूट करने में। ठीक है, ऑब्सेशन, जुनून। ठीक है, एक व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ एवरेज पर्सन एंड अ सक्सेसफुल पर्सन? द डिफरेंस इज क्लियर, द डिफरेंस इज दैट ऑब्सेशन। बिकॉज Most people who are successful in their life, they are obsessed with their life, they are obsessed with their goals, they are obsessed with new opportunities that are coming in their way. जो भी उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जो भी उनकी लाइफ में चीजें आने वाली है, उनके लिए वो ऑब्सेस्ड रहते हैं। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ठीक है, और हमारे अंदर मतलब अपन किसी भी चीज से पैशनेट हो जाते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, हमारे सोसाइटी में हमारे कल्चर में हमको ऐसे हीन भावना से देखा जाता है, अरे वो क्या कर रहा है, वो तो पागल ही हो गया, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो उस तरीके से लोग हमको देखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उस चीज की फिगर करना चालू करो। इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग, इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद यूट्यूब, यू इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग इन योर लाइफ रिलेटेड टू बिजनेस, स्टॉक मार्केट, यूट्यूब, एनी बिजनेस दैट यू आर रनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से हो या फिर कुछ प्राइवेट फील्ड में कुछ करना चाहते हो या फिर खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो और किसी भी चीज से ऑब्सेस्ड हो, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो ऑब्सेस्ड होना चालू करो, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर लाइफ। और जो भी आप आपकी लाइफ में एक चीज करते हो ना, ऑब्सेस्ड होना चालू करते हो, आप चीज को पैशनेट होना चालू करते हो, तो आधी चीजें आपके लिए ऐसे ही क्लियर हो जाती है। तो इस बात को दिमाग में डाल लो, इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद द थिंग दैट 80% 50% ऑफ द वर्क इज डन। ठीक है, ऑब्सेस्ड रहना चालू करो, मतलब ऑब्सेस्ड अगर आप आपकी जिंदगी में नहीं हो तो ऑब्सेस्ड हो, अगर नहीं हो तो ठीक है, अगर हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप 50% ऑफ द पीपल और 80% ऑफ द पीपल आप उनसे आगे आ चुके हो। ठीक है, और मैं आपको वन बाय वन इस बुक में जो बी एवरेज और बी एवरेज है इसमें क्या क्या टिक हुए हैं, तो मैं उसको एक बार एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, एम्ब्रेस ऑब्सेशन, जो आपका ऑब्सेशन है उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्रेज करो। बिकॉज एनकरेज रीडर्स टू बी ऑब्सेस्ड विद देयर गोल्स और ड्रीम्स, ही बिलीव दैट ऑब्सेशन इज की टू ड्राइवर ऑफ सक्सेस, दैट बीइंग एवरेज शुड नॉट बी एन ऑप्शन। देखो, एवरेज रहना आपके जीवन में ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। आप आपके गोल्स से रिलेटेड, आपके जीवन में जो भी लाइफ है, गोल्स है, ड्रीम्स है, सपने हैं, जो भी आप आपकी लाइफ में करना चाहते हो, उन चीजों से ऑब्सेस्ड रहना चालू करो। क्योंकि आपके जीवन में जब तक आप उन चीजों से ऑब्सेस्ड ही हो ना, तो चीजें आपकी लाइफ में वैसे नहीं चलेंगी जैसा आप चाहते हो। सो यू मस्ट बी ऑब्सेस्ड विद द थिंग दैट इन योर लाइफ, आपके गोल से, आपके ड्रीम से ऑब्सेस्ड रहना चालू करो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग ऑब्सेशन, आप ऑब्सेस्ड हो आपके गोल से और उससे रिलेटेड। ठीक है, अब मैसिव एक्शन को अब पढ़ते हैं। ठीक है, मैसिव एक्शन को मैंने 10x रूल बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग मैसिव एक्शन, ही आर्ग्यूज दैट सक्सेस कम फ्रॉम डूइंग मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दैट बीइंग विलिंग टू पुश बाउंड्रीज ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, तो सक्सेस जो भी आप पर्टिकुलर चीज आपके जीवन में चाहते हो, अगर आप जो चाहते हो कि उस चीज को अचीव करने में 1 साल लगेगा, और हर अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे देकर उसका चीज को कर पाओगे तो हो जाएगी, तो ये सोचना आपका गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना उससे ज्यादा ही मेहनत लगती है। एंड मैसिव एक्शन इज द की, अगर आप ज्यादा एक्शन लोगे ना, ऑटोमेटिकली जो आप टारगेट अचीव करने की 1 साल की टारगेट की कर रहे हो ना, अगर आप थोड़ा ज्यादा एक्शन लेके काम करोगे ना, तो उस टारगेट को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगेगा। तो उस तरीके से आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो मैसिव एक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द फियर दैट इज कमिंग इनसाइड यू। ठीक है, जो भी आपको डर लगता है, अगर आप डर आपको किसी चीज से रिलेटेड डर लगता है ना, तो उस चीज से रिलेटेड आप एक्शन लेना चालू करो। इफ यू आर गोइंग टू टेक एक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट, तो आप उस चीज से रिलेटेड बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे आपके। ठीक है, तो मैसिव एक्शन लेना चालू करो। ठीक है,
ओवरकम फियर, जो भी आपका डर है ना उसको ओवरकम करो, और वो ओवरकम हुआ एक्शन से रिलेटेड। यू डोंट नीड टू फियर अबाउट रिजेक्शन, एंड गॉड डोंट बिलीव दैट फियर इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू सक्सेस दैट यू मस्ट कन्फ्रंट एंड कंक्वर। देखो जो डर है ना वो आपको बहुत रोकता है, और उसको आपको आगे बढ़ने से बहुत रोकता है, अगर आपको आपका जो डर है। अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, आपके जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आपके डर को मिटाना पड़ेगा। डर जो है ना आपको अंदर से खाएगा, आपको मतलब चीजों वो वैसी चीजें नहीं हो पाएंगी आप जैसा आप सोच के चल रहे हो आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड हाउ वी कैन ओवरकम फियर बाय टेकिंग एक्शन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो यू हैव टू ओवरकम योर एक्शन, कहते यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू ओवरकम योर फियर। आपका जो भी फियर है ना उसको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आपके फियर को ओवरकम नहीं करो तो आपकी चीज लाइफ में चीजें वैसे नहीं काम करेंगे जैसा आप चाहते हो, ठीक है। ठीक है, तो 10x गुण जो सबसे बड़ा है, देखो आप काम क्यों नहीं करते हो, आप अपने आप पे डाउट क्यों करते हो, आपके अंदर डर आ जाता है, और डर को जीतना पड़ेगा तभी आप चीज होगा, ठीक है। 10x गुण विच मीन्स, देखो 10x गुण के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, पर एक बार भी मैं बता दूँ, विच मीन्स सेटिंग द 10 टाइम गोल्स हाई, तो 10 10x रूल का मतलब क्या है कि आपके गोल्स को 10 गुना सेट करना, और जो आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो आपका काम अगर 1 घंटे में काम हो रहा है ना तो उसको 10 घंटे कर देना, और हफ्ते में आप 10 घंटे आप किसी चीज को दे रहे हो ना, और आप 100 घंटे 10x कर दिया ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। तो उस तरीके से आपको काम करना है, 10x रूल लोग ऐसे काम करते, ठीक है। ठीक है, 10x रूल को मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है, आप उस बुक को जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, ठीक है। देखो वर्क आपको हार्ड करना है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। वर्क एथिक बट ऑल्सो स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग स्मार्ट, ही एनकरेज द लीडर टू बी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव इन परफॉर्मिंग। ऐसा देखो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप 5 घंटे किसी पर्टिकुलर काम कर रहे हो, आप 10 घंटे किसी पर्टिकुलर काम कर रहे हो, मैं आप 10 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप बिजनेस में आपको खुद का बिजनेस सेल्फ बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब आप उस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। आप आपका समय स्मार्ट तरीके से क्या कर रहे हो, आप खुद तो कर ही रहे हो, ठीक है। अगर आप एक बंदे को हायर कर सकते हो 400-500 रुपए देकर, 1000 रुपए देकर जो भी, ठीक है, और वो आपको कुछ काम करके दे रहा है और वो पैसे आपको निकाल के दे रहा है, तो आपका समय तो वहीं पे बच गया ना, ठीक है। और आप पैसा भी वहां से आना चालू करोगे, आप किसी बिजनेस में हो तो, ठीक है। देखो, और अगर आप खुद से कोई पर्टिकुलर मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, अगर आपका समय ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम चीज कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और आप खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फिश स्टडी करने कर रहे हो, बढ़िया बात है, आप सेल्फिश स्टडी कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आप जो चीजों को कर रहे हो ना, और किसी एक्सपर्ट से आप सीखोगे, तो आपकी आधी चीजें आसान हो जाएंगी। उस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप 2 लोगों को हायर करके आपके वर्क को 10 गुना निकाल सकते हो, आप काम 10 गुना निकाल सकते हो, तो 2 लोगों को हायर करके उसको निकालो ना, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड एज वेल एज स्मार्ट, ठीक है। मेंटेन एनर्जी एंड एंथुसिएज्म, तो वो आपकी एनर्जी है ना, हमको डेली सेम एनर्जी मिलती है, और हमको सेम एंथुसिएज्म, आपका जो एंथुसिएज्म है उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि देखो आप फर्स्ट हाफ डे में आप पूरी दम से काम कर रहे हो, 12 बजे तक आपने बढ़िया काम किया और 12 बजे के बाद सो गए आप, शाम को 5 बजे उठ रहे हो, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन योर एनर्जी एंड बैलेंस एंथुसियाज्म, आपका जोश, आपका जुनून, और आप जो मेहनत कर रहे हो, जिस एनर्जी से काम कर रहे हो, उसको मेंटेन करके आपको पूरे दिन एक लय में काम करना है, ठीक है, मोमेंटम बना के काम करना है। अगर आप 1 घंटे में स्टार्टिंग में 5 क्लाइंट निकाल पा रहे हो, ट्रायल निकाल पा रहे हो, या फिर 2 क्लाइंट निकाल पा रहे हो, या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम कर पा रहे हो, सेल्स कर पा रहे हो, मॉर्निंग में आप 1 घंटे काम करके 1 सेल्स निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग आपको अगले 10 घंटे आने वाले ना, अगले 5 घंटे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, 6 घंटे काम कर रहे हो, तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि 5 से 6 क्लाइंट और आप निकाल पाओ, और जैसे जैसे धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, 2 घंटे में आप 3 क्लाइंट भी निकाल पाओ, 4 क्लाइंट भी निकाल पाओ, तो उस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, डोंट सेटल फॉर मेडियोक्रिटी, डोंट सेटल फॉर लेस। देखो, अब मैसेज इज, सेटलिंग फॉर मेडियोक्रिटी इज अ चॉइस, व्हाई यू शुड स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपको हमेशा, अगर आपको कुछ कम लगा ना, उसको सेटल नहीं करना। हाँ, आपने मेहनत की, पर्टिकुलर नहीं अचीव हुआ, ठीक है, बट अब इससे ज्यादा भी चाहिए, इससे ज्यादा भी मेहनत करनी है,
पर अगर आप एक चीज पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सेटल रह रहे हो ना, चालू कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओ, इस बात को गांठ बांध लो। ठीक है, नेवर कंप्लेन, नेवर कंप्लेन अबाउट द थिंग्स, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड आप कंप्लेन करना बंद करो पहले। ठीक है, जैसे ही आप कंप्लेन करना बंद करते हो वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से होना चालू करती है। अगर आप कंप्लेन करते रहोगे ना तो चीजें वैसे नहीं होंगी जैसा आप चाहते हो। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट रिएक्टिंग टू द थिंग, स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू डू द वर्क। और जो कारण है, किस कारण से आप उस कंप्लेन आप कर रहे हो उस चीज से रिलेटेड, इस कंप्लेन का कैसे सॉल्यूशन निकाल कर उसको एक प्रॉपर आइडिया में कन्वर्ट किया जाए, प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए उससे रिलेटेड, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपको लगातार नहीं, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा आप एक ही सिचुएशन में रहोगे, हमेशा आप मोटिवेटेड रहोगे, हमेशा आप एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है, हमेशा आप गुड फील करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारी सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, आप नेगेटिव भी होगे, आपका बिजनेस भी सही नहीं करेगा, आप फील करोगे कि मुझको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो उस समय पे क्या है कि अपने आप को गाइड करना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, खुद सीखो, आगे बढ़ो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। क्या नहीं आता, किस कारण से फेल हुए, उस रीजन को फाइंड करो, उसको सीखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट की टेक अवे, कमिटमेंट टू गोल। ठीक है, योर गोल्स शुड बी फर्स्ट एंड आई वुड लाइक टू टेक अ क्वोट फ्रॉम माय बुक हाउ टू बीट योर हैबिट्स, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर गोल एंड दिस क्वोट सेड बाय मी। ठीक है, तो आपके जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके जीवन में आपके गोल्स होने चाहिए, देन योर फैमिली, देन योर वाइफ, देन एवरीथिंग दैट वट एवर कम्स, आपके दोस्त वगैरह, वो सब बाद में आना चाहिए। फर्स्ट शुड बी योर गोल, ऑन द फर्स्ट पोजिशन देर शुड बी योर गोल। और आपके वहां पे आपके गोल रहेंगे तो आप उन चीजों को अचीव कर पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कमिट योर सेल्फ फॉर योर गोल्स, मेक अ कमिटमेंट फॉर योर सेल्फ टू योर गोल्स दैट यू आर गोइंग टू अचीव देम इन एनी हाउ सिचुएशन, वॉट एवर द सिचुएशन इज गोइंग इन द वर्ल्ड, बट यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम्स, कमिट टू योर सेल्फ। ठीक है, फोकस ऑन सेल्स। देखो, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सेल्स से रिलेटेड। ठीक है, सेल्स करना, अब सेल्स कैसे होगी, सेल्स सीख कर, और आपकी अभी सेल्स नहीं आ पा रही ना, आगे जो आने वाली है बुक, जो मैंने पैटर्न बनाया है पहले, जिसकी अभी हमने गोल से रिलेटेड बात की, अभी फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हम बात करेंगे रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, थर्ड वीक में हम सेकंड वीक में हैबिट से रिलेटेड बात करेंगे, थर्ड वीक में हम कम्युनिकेशन स्किल से बात करेंगे, फोर्थ वीक में हम बात करेंगे मनी से रिलेटेड, जो हमारा चल रहा है काम। ठीक है, हम सेल्स रिलेटेड एंड में बात करेंगे, सबसे एंड प्रोसेस में आएगा सेल्स, क्योंकि जब तक आप खुद पूरे इम्प्रूव नहीं हो जाओगे आप फिर सेल्स से रिलेटेड बात करेंगे। और अगर आप सेल्स से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हो, एक मेरी प्ले लिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो, अगर आपको सेल्स सीख रहा हो तो प्रॉपर मैंने उसमें सेल्स सिखा रखी है, और आगे जो आने वाली है 8 से 10 वो हम सेल्स से रिलेटेड भी सीखेंगे, तो सेल्स भी मैं कहूंगा। ठीक है, जब तक सेल्स नहीं हुई ना, आपके बिजनेस में रेवेन्यू नहीं आएगा, और रेवेन्यू नहीं आएगा तो आगे आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका सेल्स, तो सेल्स पे भी फोकस करना, जितना आप अपने खुद के इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ने पे फोकस कर रहे हो, तो सेल्स पे भी फोकस करना। अंडरस्टैंड, मनी इज अ टूल टू अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट, मनी मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ही एनकरेजेस लीडर्स टू एम फॉर फाइनेंशियल सक्सेस विदाउट गिल्ट। ठीक है, आपको पैसा कमाने में कोई गिल्ट फील नहीं करनी, दैट यू आर अर्निंग मनी, यू आर लूजिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड यू आर फीलिंग गिल्टी दैट आपको उस बंदे को जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए था। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपकी कंपनी से रिलेटेड, आप लोगों की लाइफ बेटर बना रहे हो, उस तरीके से आप सोचना चालू करो किसी भी वे में। ठीक है, आप जो भी कंपनी कर रहे हो, आप फाइनेंशियल गोल, आप पैसा कमा रहे हो ना, वो आप खुद के लिए बेटर कमा रहे हो और दूसरे लोगों के लिए भी कमा रहे हो, तो उस तरीके से आप सोचना चालू करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव परसिस्टेंस, देखो लगातार काम करना है, लगातार के बिना कुछ होना ही नहीं। बी अनरीजनेबल, बी अनरीजनेबल इज सेटिंग योर गोल्स, डोंट लिमिट योर सेल्फ व्हाट सीम्स रेशनल और अटेनेबल, एम फॉर द एक्शन। मैंने आपको बताया मैं सिर्फ एक्शन लेना है, तो मैं सिर्फ गोल बनाना है,
मैसिव गोल अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी आप आपकी लाइफ में करना चाहते हो, व्हाट एवर द थिंग एक्स्ट्रनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू वांट टू डू इन योर लाइफ, फॉर दैट यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन। तो उसके लिए बी अनरीजनेबल, ठीक है, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर गोल्स, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टीम, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिलीज। Because if you are taking a responsibility, then you are responsible for the work that you are doing. आप फिर एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मैं इस कारण से नहीं कर पाया, उस कारण से नहीं कर पाया, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो तो चीजों को बेटर तरीके से, बेटर वे में और बेटर प्रेजेंट करके प्रॉपर तरीके से अचीव भी करते हो, ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रेक्शन, देखो डिस्ट्रेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट आर किलिंग योर ड्रीम, दैट आर किलिंग योर ग्रोथ एंड दैट इज किलिंग योर माइंडसेट, ठीक है। आप डिस्ट्रेक्शन, आप सोशल मीडिया पे आधे घंटे के लिए गए, 5 मिनट के लिए गए, आधे घंटे निकल गए, 1 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, और सोशल मीडिया पे आप इतने बिजी हो गए, बिजी हो गए कि आप और किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो उस बात को आप गांठ बांध दो कि यू हैव टू बी क्लियर विथ योर गोल्स, यू हैव टू बी क्लियर विथ योर थिंग, और तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यू डोंट हैव टू डिस्ट्रैक्ट, आपकी एक मजबूरी है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अपने आप को कमिट करो, ये डिस्ट्रेक्शन है ना, उसको छोड़ना है। नेक्स्ट, हसल एंड हार्डवर्क, हार्डवर्क करो। तो जो भी आप हसल करोगे, जो मैंने आपको बताया, मैंने स्पेसिफिक एक्शन लो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेवरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, एआई आ गया है, एआई का यूज करो, यूज एआई फॉर योर बेनिफिट। तो अगर आप आज के जमाने में रहकर सोशल मीडिया का प्रॉपर तरीके से खुद के फायदे के लिए यूज नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, नोबडी ए स्टूपिड देन यू। क्यों क्यों आज आप सोशल मीडिया का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, आपको अपने आप को सिखाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? तो क्या हो सकता है, आप टेक्नोलॉजी को यूज करो। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करोगे आपके बिजनेस में, उतना ज्यादा बढ़िया होगा, बेटर होगा आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। सेट क्लियर गोल्स, देखो जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे, आप चाहते क्या हो आपके जीवन में, तब तक चीजें वैसे वर्कआउट नहीं करेंगी जैसा आप चाहते हो। मैं लिख के देता हूँ, आपके क्लियर गोल होना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क एंड रिलेशनशिप, ठीक है। आप देखो जो आपका एक कॉन्टेक्ट, एक नेटवर्क, अगर आपका प्रॉपर अच्छा नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क जो आपको रिजल्ट दे सकता है, जो आपको सेल्स ला के दे सकता है, जो आपको ऐसे कॉन्टेक्ट के साथ काम करा सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिजल्ट लेके जाएगा, ठीक है। तो फोकस ऑन नेटवर्किंग, फोकस ऑन नेटवर्किंग मीन्स अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना चालू करो, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चालू करो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। या तो वो आपको इन्वेस्टर से मिलवा देंगे, या फिर किसी आपको क्लाइंट से मिलवा देंगे, जो भी आपके कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी, और जितनी बड़ी नेटवर्थ होगी उतना बड़ा नेटवर्क होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यू वॉन्ट टू मेक मनी, यू हैव टू मेक अ बिग नेटवर्क, बिकॉज बिग नेटवर्क हेल्प यू टू मेक बिग मनी इन योर लाइफ, ठीक है। जब तक आपकी जीवन में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ, आपके पास नेटवर्क नहीं हुआ, तो आपको किस किस बंदे को आप चीजें सेल करोगे, किस बंदे को आपका प्रोडक्ट पिच करोगे? तो फोकस ऑन नेटवर्किंग, इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन नेटवर्किंग, ऑटोमेटिकली योर सेल्स विल इंक्रीज, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक रिस्क एज मच एज यू कैन, ठीक है। जितनी आप रिस्क ले सकते हो उतनी लो, कैलकुलेटेड लो, क्योंकि अभी आप आपकी 20s में हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, ठीक है। 15 साल के भी हो गए बहुत सारे, अगर कोई देख रहा हो, समझदार हो तो 15 साल का भी देख रहा होगा, ठीक है। अगर आप अभी रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे? क्योंकि आफ्टर 25, 25-30 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है वहां पर रिस्क नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है बट कैलकुलेटेड। और आपको जो भी रिस्क लेना है, वो आप 20s में भी हो, 20 साल के भी हो, 25 साल के भी हो, तो भी अगर आप टीनेजर में हो ना, तो भी कैलकुलेटेड रिस्क लो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, आपके माइंडसेट को, आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके थॉट्स को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। अगर आप अच्छे लोगों से आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस, उनकी थॉट प्रोसेस है ना, उनका बहुत इफेक्ट पड़ेगा आप पर। तो उस तरीके से चीजें चलती हैं। दोस्तों आप सबसे मिलते हैं कल,
डे 8 में, और कल हम शायद बुक एक्सप्लेन करेंगे कॉल लाइट में से। कल हम कौन सी बुक एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है कौन कौन सी बुक हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वैसे देखो मैं आपको एक बोल रहा हूँ, एक बात और बोल रहा हूँ कि अभी जो आपने मैंने रिच डैड पुअर डैड की बुक की समरी निकाली थी, ठीक है, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप उसको डीपली रीड करोगे, अब मैंने जो बनाई समरी बनाई उसको डीपली अगर समझने की कोशिश करोगे ना, उसको सही तरीके से सुनोगे, तो आपकी एक थॉट प्रोसेस, आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, कल हम जो बुक रीड करने वाले हैं वो माइंड सेट है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है, आपका माइंड सेट फिक्स्ड माइंड सेट है, ग्रोथ माइंड सेट है, किस तरीके का अपने माइंड सेट को ग्रो करना है, और आपका फिक्स्ड माइंड सेट है उसको ग्रोथ माइंड सेट कैसे करना है, ये सारी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे बोलता हूँ अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।